नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल पीकी। पति पत्नी और वो, इसमें वो एक महिला है जो पति और पत्नी के रिश्ते के बीच में आ जाती है और परिवार टूट जाता है और समाज में वो महिला को सभ्य नहीं माना जाता। इसी तरह एक केस सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा। पति पत्नी और वो में पत्नी को गलत माना गया और पति और वो के रिश्ते पर मुहर लग गई, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पति या पत्नी के जिंदा होने या बिना तलाक पर दूसरी शादी या संबंध बनाना गैर कानूनी। भले ही पति और पत्नी ने इसकी इजाजत दी हो, लेकिन ऐसा हुआ है। मामला दिल्ली हाई कोर्ट का है। दरअसल अदालत में इसमें मानवीय पहलू को देखते हुए ये फैसला सुनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ केस कर आरोप लगाया कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ रहता है। महिला की शादी साल 2003 में हुई थी, लेकिन दोनों 2005 से अलग अलग रहने लगे थे। वही पति ने ये आरोप लगाया कि पत्नी ने उसके साथ क्रूरता की है और अपने भाई और रिश्तेदारों से उसकी पिटाई भी करवाई है। केस की सुनवाई के दौरान ये तथ्य सामने आया कि दोनों कई सालों से अलग अलग रह रहे थे। इस दौरान पति किसी दूसरी महिला के साथ रहने लगा। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यदि कोई जोड़ा लंबे समय तक एक दूसरे के साथ नहीं रहता है और उन दोनों के फिर से मिलने की कोई संभावना नहीं है, इन हालात के बीच पति को किसी अन्य महिला के साथ सुकून और शांति से रहने लगा, तो उसे क्रूरता नहीं कहा जा सकता। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा, भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि तलाक की याचिका लंबित होने के दौरान प्रतिवादी पति ने दूसरी महिला के साथ रहना शुरू कर दिया है और उनके दो बेटे हैं, इसे अपने आप में इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में क्रूरता नहीं कहा जा सकता, जब दोनों पक्ष 2005 से साथ नहीं रह रहे और अलगाव के इतने लंबे वर्षों के बाद पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं है और प्रतिवादी पति को किसी अन्य महिला के साथ रहकर शांति और सुकून मिलता है, तो इसे क्रूरता नहीं कहा जा सकता। साथ ही इस मामले में ये भी कहा गया कि इस तरह के संबंध का परिणाम प्रतिवादी पति संबंधित महिला और उसके बच्चों को भुगतान देना होगा। अदालत ने हिंदूवादी अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(IA) के तहत क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देने की पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली महिला की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि महिला ने शादी के बाद दो बेटों को जन्म दिया, लेकिन महिला ने पति की दूसरी शादी का ना तो कोई विवरण दिया, ना ही कोई सबूत अदालत में पेश किया और ना ही पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। हाईकोर्ट ने महिला की अपील खारिज कर दी और ट्रायल कोर्ट के तलाक देने के आदेश को जारी रखा। बता दें, इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ में हो रही थी। अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(IA) के तहत क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देने के पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली महिला की याचिका खारिज कर दी। तो ये मामला सामने आया है जिसमें पत्नी को ही गलत साबित कर दिया गया है और पत्नी और वो की इस रिश्ते पर मुहर लगा दी गई है। अब इस खबर पर आप क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।